वेलकम बैक टू आवर चैनल। TDS अंडर सेक्शन 194Q में TDS पेबल की एंट्री कैसे होती है ये हमने देखा, पर इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि TDS अंडर सेक्शन 194Q के अंतर्गत सेलर साइड TDS रिसीवेबल की एंट्रीज कैसे होगी। मिरेकल में इस सेटअप को एनेबल करते हैं। कंपनी सेटअप में जाकर TDS TCS सेटअप में जाए। यहाँ TDS डेबिट यानी कि TDS डिडक्टेड बाय अदर्स एंट्रीज रिक्वायर्ड ऑप्शन में यस सेट करेंगे। नाउ TDS 194Q रिसीवेबल के लिए एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। फॉर दैट गो टू मास्टर देन अकाउंट। TDS रिसीवेबल नाम का नया अकाउंट क्रिएट करें। ग्रुप नेम में ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड टाइप फील्ड में TDS सिलेक्ट करें। टैक्स टाइप में TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स सिलेक्ट करें, फिर अकाउंट को सेव करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान ले कि हमने पार्टी टेक्नो इंडस्ट्रीज को करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अधिक का माल सेल किया है। तो चलिए पहले टेक्नो इंडस्ट्रीज पार्टी अकाउंट को TDS डिटेल के साथ क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन एड बटन, नाम दाखिल करें, TDS डिटेल में यस सिलेक्ट करें, टाइप ऑफ डिडक्ट सिलेक्ट करें, देन टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करते ही TDS डिटेल्स दाखिल करने के लिए ये विंडो दिखाई देगी। प्रेस एंटर हियर। टाइप कॉलम में TDS डिडक्टेड बाय अदर्स सिलेक्ट करें, देन TDS अकाउंट में सेक्शन 194Q के लिए बनाया गया TDS रिसीवेबल का अकाउंट सिलेक्ट करें। बाकी सभी कॉलम में अपना रिक्वायर्ड सिलेक्शन करें और आखिर में टैब प्रेस करके विंडो से बाहर निकले। मेक श्योर टू इंसर्ट पान नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत यदि पान नंबर अवेलेबल है तो TDS एसेसिबल अमाउंट पर 0.1% TDS रेट लागू होगा, और यदि पान नंबर अवेलेबल नहीं है तो 5%। तो यहाँ हमारे किस्से में TDS 0.1% के हिसाब से TDS अमाउंट प्राप्त होगी। फिर अकाउंट को सेव करें। चलिए इस पार्टी के सेल्स इनवॉइस देखते हैं। नाउ TDS रिसीवेबल हमारा कितना होता है उसकी जांच करेंगे। इसके लिए रिपोर्ट TDS डिडक्टेड बाय अदर्स इन TDS रिपोर्ट में जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी के टोटल इनवॉइस अमाउंट 50 लाख से अधिक है। ये टोटल इनवॉइस अमाउंट एक्चुअली इनवॉइस के टोटल बिल अमाउंट नहीं लेकिन आइटम अमाउंट होती है जिन पर GST लागू नहीं किया होता, तो ये दोनों बिल्स की कंबाइन आइटम अमाउंट होती है इतनी। तो TDS एसेसिबल अमाउंट होती है इतनी। नाउ इस अमाउंट पर TDS 0.1% लागू होगा, तो टोटल TDS रिसीवेबल अमाउंट होती है इतनी, और आखिर में इसका जर्नल वाउचर जनरेट करेंगे। पार्टी के लेजर में ये जर्नल एंट्री देख सकते हैं, और हमारी बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकाउंट्स में भी TDS रिसीवेबल की एंट्री देख सकते हैं। तो ये थी TDS रिसीवेबल एंट्री अंडर सेक्शन 194Q।